बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूँ ही खुशबाश रखे और आप सभी को दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की अता करे। और मैं हूँ दीना इकबाल और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ एक अच्छी अच्छी वीडियो। और तो आप मुझे, आपका तो फिर हक बनता है मुझे सब्सक्राइब करने का, मुझे लाइक करने का, मुझे शेयर करने का। आज हमारे यहाँ यहाँ दुबई में माशाल्लाह यहाँ पे आज 18वां रोज़ा हो चुका है। तो देखें, आप लोग खुद ही देखें कि टाइम कितना बिल्कुल फास्ट जा रहा है, पता ही नहीं चलता टाइम का, दिन भी गुजर जाता है। और कहाँ हम लोगों को इतनी खुशी थी रमज़ान आने की, रमज़ान आ रहे हैं और अब पता ही नहीं चल रहा है कि आज 18वां रोज़ा हो गया और यूँ ही गुजर रहा है। पता अब तीसरा अशरा जो है वो लगने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो इसी तीसरे अशरे में भी आप लोग खूब दुआएं कीजिए, खूब इबादत कीजिए और सब के लिए और अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और आपकी दिली मुरादें पूरी करें। तो आज मैंने जब अभी एक आध हफ्ते पहले या पता नहीं 4-5 दिन पहले मैंने शायद शॉपिंग की थी अपनी। तो अभी कुछ मेरी पूरी अभी कंप्लीट शॉपिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं कि आज मैं क्या क्या लेकर आई हूं। तो मैं मैक्सी लेकर आई हूं, क्योंकि मेरा जिस्म जो है थोड़ा हैवी हो गया है यहाँ पर आके, तो मेरे नाप के तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, तो मेरे को मुझे फिर मैक्सियाँ ही लेनी पड़ती हैं, तो वही मेरे लिए यानी कि कंफर्टेबल रहती हैं। तो मैंने मैक्सी ली है, मैक्सी नहीं यानी कि फ्रॉक समझ लें या मैक्सी कह लें, मैंने वो ली है। ये इंडियन मैक्सियाँ हैं और इसके साथ के कुछ के अभी दुपट्टे आए हैं, अभी कुछ के नहीं हैं। और टाइट्स में जो थे वो ट्राउज़र जो थे वह मैं पहले लेकर आ गई थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था, और अभी और लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो वह मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं लेकर आई थी जब मैं ग्लोबल विलेज गई थी, तो वहाँ से मैंने अपने लिए एक अदद मैंने अपने लिए हैंड बैग लिया था और मैं अपने लिए चप्पल लेकर आई हूँ इस पर पहनने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी जो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काम शुरू करना चाहिए। तो अभी मैं दोपहर की नमाज़ पढ़कर आई हूँ, क्योंकि मैं सारी रात जागती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर मेरी सहरी ना निकल जाए, तो फिर मैं जागती रहती हूँ, फिर मैं अपना सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फिर अपना सोती हूँ, तो फिर मैं अभी उठी हूँ। तो अभी मैं नमाज़ पढ़कर आई हूँ, अभी नमाज़ पढ़ के आप लोगों को बोला कि मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना अपनी चीज़ें दिखाऊं, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। तो ये है, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है मेरी फ्रॉक, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी ब्लू रंग की ली थी, ये बहुत ही अच्छी मेरी मुझे बहुत यानी कि मैंने वहाँ पे तब ट्राई करके देखी थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और लग भी नहीं रहा था कि मैं उसके अंदर जितना यानी कि जो मेरा हैवी पानी उसके अंदर यानी कि ढक गया था तो लग नहीं रहा था, लेकिन ये कि फिटिंग भी अच्छी लग रही थी जब मैंने पहनी थी। और इसके साथ मैंने जो ये लिया था, ये दुपट्टा लिया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये है चिकनकारी का दुपट्टा, इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, ये सब इंडियन है ना, तो ये सब इंडियन है, ये पाकिस्तानी नहीं है। और इतनी फिनिशिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन कि सिलाई में बहुत फिनिशिंग होती है, जब पहनो तो बहुत प्यारा लगता है। इसके अंदर जो आपने आतिशी कलर के जो ये जो शॉकिंग पिंक आपने इसमें जो डॉट्स आ रहे हैं, फिर ये फ्लावर बने हुए हैं, इसी मैचिंग का मैंने ये दुपट्टा लिया था, सही है ना? तो एक ये हो गया, और इसका जो घेर देखें तो आप माशाल्लाह से आप घेर देखें इसका, ये देखें, तो एक ये हो गई। और एक मैं लेकर आई थी, ये पता नहीं ये किशमिशी कलर है या मस्टर्ड कलर है, कौन सा कलर है ये, तो येलो कलर है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ,
ये आप देखिए, और इसी की जो मैचिंग का है वो मैंने पट्टा दिखाती हूँ, इसी की मैचिंग का दुपट्टा। ये देखिए, ये इसकी मैचिंग का मैंने दुपट्टा लिया, क्योंकि इस तरह का ये नीचे जो है ये बॉर्डर के ऊपर इस तरह से ये जो बॉर्डर है ना ये इसका, ये आप देख रहे हैं बॉर्डर इस तरह से ये काम हुआ छपाई हुई भी है। तो इसका दुपट्टा था ये मैंने मस्टर्ड कलर में लिया था, ये मुझे बहुत ही प्यारा दुपट्टा लगा था और ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं, शायद आपको इस तरह तब समझ में आए। ये देखिए, ठीक है, एक ये हो गई, दो हो गई, एक लाई हूँ मैं थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि एक लाइट कलर लेकर आई हूँ। तो मैं तो वैसे हमेशा मैंने डार्क ही कलर लिए हैं हमेशा, वो मुझे पसंद भी हैं बहुत, लेकिन इस दफ़ा मैंने दो मेकअप जो हैं वो बिल्कुल लाइट लाइट कलर के भी ली हैं। ये देखिए इसका घेर देखिए, घेर देखने, और इसके ऊपर ये अंगूरी कलर है, अंगूरी कलर के ऊपर बीच में जो है ये एप्लिक लगी हुई है, और एप्लिक के ऊपर ये सीक्वेंस का काम हुआ है, हाँ, और बीच में ये गोल्डन बटन लगे हुए हैं। तो एक ये लेकर आई थी मैं, और इसी में की एक दूसरी कलर है ये वाला, इसके अंदर भी सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है और उसका धागे का काम हुआ हुआ है। मैं ये ब्लैक कलर का धागा लगा हुआ है, ब्लैक है पता नहीं ब्लू है, डार्क ब्लू, तो उसके ऊपर भी सीक्वेंस लगे हुए हैं बारीक बारीक, आप देख सकते हैं शाइन मार रहे हैं। ये सब यानी कि घेर वाली हैं, इनके जो घेर हैं आप देखें, घेर माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं पहनती हूँ ना। अभी भी परसों भी हमारी ये क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड की जो कज़न है उनकी तरफ से पार्टी थी रेस्टोरेंट में, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो उधर भी मैं मैक्सी पहन कर गई थी, ये वाली नहीं मैं पहले लेकर आई थी तो मैं फिर वो पहन कर गई थी, तो माशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसमें यह है कि सारा जिस्म ढक जाता है, और इसकी मैं मैचिंग का मैं टाइट्स लूँगी, अभी मैंने लिया नहीं है मैचिंग का, मैं सोच रही हूँ इसकी जो मैचिंग है ये पत्नी डार्क ब्लू है या डार्क ब्लैक है, तो इसमें का मैं कह रही हूँ मैं थोड़ा सा मैं लूज में लेती हूँ पहले टाइट्स यानी कि ट्राउज़र ही कह लें, तो ये मैं लूँगी इसमें का। तो ये हो गया, ये मैंने आपको दिखा दी। और अच्छा मैं गई थी मैं रमज़ान से पहले गई थी ग्लोबल विलेज, तो यहाँ दुबई में लगता है ग्लोबल विलेज, तो मैं वहाँ से मैंने जो चाइना का जो वो लगता है स्टॉल लगता है चाइना का, तो मैंने चाइना में मैं जब गई अंदर तो वहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी चाइना की, चप्पल यानी कि हर चीज़ थे, मैक थी चप्पल और ये क्या पर्स हैंड बैग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे, बड़े ज़बरदस्त थे, पूरा मैंने घूमी थी क्योंकि मैं थक गई थी। और तो मैं जब गई थी वहाँ तो मुझे ये पर्स मुझे हैंड बैग जो है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसको लूँगी मैं, हाँ इंशाल्लाह ताला कल मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि कल हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ऑफिस की तरफ से कल इफ्तार पार्टी है, तो कल हम लोग जाएंगे, और हम लोग कहाँ जाएंगे मैं आपको बता दूँ या मैं आपको सरप्राइज़ दूँ, चले बता देती हूँ। तो कल मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ पाम जुमेरा बीच, वहाँ पर होटल हैं,
होटल तो खैर कहीं है, मैंने भी नहीं देखा कहाँ पर है पार्टी, लेकिन ये कि पाम जो मेरा बीच बीच होटल पे हमारी जो है वो अफ्तार पार्टी है, तो कल मैं मेरे हस्बैंड जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला वहीं रोदा खोलेंगे कल, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला ये मैं वहाँ लेकर जाऊँगी, ठीक है ना। ये हो गया। और मैंने अपने लिए, मैं पहले हील वाली शूज़ पहनती थी, चप्पल सैंडल वगैरह पहनती थी, लेकिन जैसे मेरा थोड़ा जिस्म हैवी हुआ है तो मैंने वो अवॉइड कर दी है, मैं नहीं पहनती अब, क्योंकि मेरे से नहीं पहनी जाती और ना ही मैं उसको पहन के चल सकती हूँ और ना ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो मैं अब लेकर आई हूँ अपने लिए इस दफ़ा इस तरह की ये वाली शूज़, ये मैंने मॉल से ली है, ये मैंने कोई शॉप से या दुकान से नहीं लिए हैं, बाज़ार से नहीं लिए हैं, ये मैं मॉल गई थी मैंने वहाँ से लिए हैं, वहाँ से परचेज़ किए हैं। और ये जो है ये है मेडिकेटेड, ये आप देखें ये बहुत सॉफ्ट है, इसको पहन के मैंने वहाँ पे चेक किया था, पहन के पूरे मैंने राउंड लिया था तो वहाँ पे ये मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगी थी। तो देखने पर तो ये आपको थोड़ी ऊँची लगेगी, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही कम्फर्टेबल हैं, तो ये मैं ये पहन के जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, ये मैं कल पहन के जाऊँगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैं कौन सी अपनी मैक्सी पहनूँ, मुझे सारी अच्छी लग रही हैं, देखती हूँ कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं पहनूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और अभी मेरा कुछ सामान रहता है, अभी मेरे टाइट्स रहते हैं और अभी कुछ मुझे मेकअप भी लेकर आना है, मेरा मेकअप भी रहता है, और कुछ अपने लिए आर्टिफिशियल मैं यानी कि इयर रिंग्स लूँगी और आर्टिफिशियल मेरे को अपने लिए ब्रेसलेट लानी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गोल्ड का सब कुछ है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता पहनने का, तो मैं आर्टिफिशियल ही लेकर आऊँगी, मैचिंग की लाऊँगी इसलिए मैं कह रही हूँ, तो ये लेकर आना है। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने अपनी शॉपिंग की क्या करी, आप मुझे बताएं कमेंट में बताएं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वजिया कुकिंग का, जो बहुत अच्छी यानी कि सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे, बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, बहुत अच्छे मुझे वो उन्होंने कमेंट भी भेजे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी दे, जितने भी यूट्यूबर हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी दे, क्योंकि सब इसी आस में लगे रहते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर चढ़ाए हमें कामयाबी दे। तो मेरी यही दुआ है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं रोज़े की हालत में सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको एक कामयाब यूट्यूबर बनाए, सही है ना। मेरी भी अपनी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी एक कामयाब यूट्यूबर बनाए, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूँ, तो इंशाल्लाह ताला मेरी मेहनत जारी है, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरी मेहनत रंग लेकर आएगी और मैं एक बड़ी यूट्यूबर ज़रूर बनूंगी एक दिन, तो अल्लाह पे भरोसा है, उम्मीद तो मैं भी नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा। तो आप लोग भी सबके लिए दुआ किया करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कर भला तो हो भला, तो आप लोग पहले सबके लिए दुआ करें, तो आप लोग देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छा ही होता जाएगा, ठीक है। तो बस यही थोड़ी सी मेरी ये आज की वीडियो थी, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, क्योंकि अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, मुझे काम करने जाना है, अभी अपनी किचन में जाऊंगी, किचन में मैंने अभी छोले रख कर आई हूँ, अपने छोले रख कर आई हूँ चूल्हे के ऊपर, तो जाकर देखती हूँ अपने, ठीक है। आज मैं बनाऊँगी काले चनों की चाट और चिकन टिक्का रोल और मिक्स पकौड़े बनाऊँगी और फ्रूट चाट बनती है, ये थोड़े बहुत हम लोग कफ्तारी बनाते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं तो वो फ्राई आइटम नहीं खाते, तो मैं ही खाती हूँ, तो वो बनाऊँगी अभी, स्टार्ट करूँगी अभी, है टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है तो करूँगी, तो ठीक है ना। पर इसी के साथ अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, फिर मैं आऊँगी एक नई और एक अच्छी वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और तो बस चलिए, बस अपना ख्याल रखिएगा, छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत कीजिए, सही है ना, और घर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, क्योंकि अभी तीसरा शरा लगने वाला है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, इसी उम्मीद में आज का अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।